नमस्कार, मैं आदित्य काले एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। पहले हमारा वीडियो मैंने बताया था आपको बोनसाई के बारे में। हमारे घरों में पूजा पाठ के लिए हमेशा सुपारी का उपयोग किया जाता है। अब पूजा पाठ हो जाने के बाद में इन सुपारियों का कोई उपयोग रहता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे एक बार देख रहा था तो मैंने देखा कि सुपारियां कई शेप में होती हैं। ये सुपारी हम पान में डाल के भी खाते हैं, तो ये सुपारियां कई शेप में होती हैं। मैंने सोचा इनका कुछ बनाया जाए, तो मैंने हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार होता है, उस जनेऊ संस्कार की एक झांकी बनाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुपारी के साथ साथ हमारे यहाँ पूजा पाठ में बादाम का भी उपयोग किया जाता है, तो मैंने इसके अंदर कुछ बादाम का भी काम किया है। ये देखिए, बादाम का शेप ऐसा है कि जैसे हमारे को कोई ऐसा बैठा है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया है। इसको मैं फेविकॉल से चिपका रहा हूँ, ये मैंने चिपका दिया, ये चिपक गई तीनों आपस में। अब हमको, मैं बना रहा हूँ पंडित जी, तो पंडित जी का पेट क्या है, थोड़ा सा पेट बड़ा होता है, इसलिए हमने इनको पंडित जी को यहाँ बैठा दिया। और इसके ऊपर जो है ये हमने इनका सिर लगा दिया, पंडित जी का ये सिर लगा दिया। इसी प्रकार से हम पंडित जी के साथ में माँ बाप और एक बटुक, जिसकी जनेऊ होती है उसको बटुक बोलते हैं, तो उस बटुक को भी हम बनाएंगे। और फिर उसके बाद में आज रात को इसको सूखने देंगे और कल हम इसको इनके कपड़े वगैरह सारा डेकोरेशन करेंगे। देखिए, हमने जनेऊ के लिए एक पंडित जी बनाए हैं, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं और ये बटुक है। अब आज हमने इसको फेविकॉल से चिपका दिया है, कल हम इसको डेकोरेट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपारियों को हमको चिपकाना है, तो इसके नीचे देखिए बादाम है और बादाम के ऊपर एक बड़ी वाली गोल सुपारी ले ली हमने और उसका पेट और धड़ बना दिया। एक दूसरी सुपारी हमने चिपकाई जिससे उनका मुंह का हिस्सा हो गया। ये कागज के हमने कान बनाए हैं और कागज के ही हमने हाथ बना दिए और इनके सर पे हमने पगड़ी बांध दी है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ जो है वो खुले सिर नहीं किया जाता है, इसलिए हमने इनको पगड़ी पहना दी है, आप देख रहे हैं। और फिर इनको हमने सिल्क की धोती पहना दी है। ये है माता जी, आप देख रहे हैं, उनका भी शेप इसी प्रकार से है। नीचे बादाम है, बीच में ये धड़ बना दिया है, ये इनका मुंह है और हाथ भी अपन ने कागज के लगा दिए हैं, इनके बाल काले कर दिए हैं और नेट की इनको साड़ी पहना दी है। देखिए, उसी प्रकार से हमने ये पंडित जी बनाए हैं। अब आते हैं बटुक, जिनकी जनेऊ होने वाली होती है उनको हम बटुक बोलते हैं, तो इसको हमने जनेऊ भी पहना दी है और ये कागज के हाथ लगा दिए जैसे मैंने पहले बताया। और ख़ास बात, इनकी हमने चोटी भी रखी है, क्योंकि जनेऊ के टाइम पे बाल उतार दिए जाते हैं और एक चोटी रखी जाती है, और इनको भी हमने टीका लगा दिया है। ये हमारा जनेऊ का स्थल तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं। चारों कोनों पे हमने मंगल कलश रखे हैं, ये भी सुपारी के हैं, और ये छोटी सुपारी को हमने नारियल बना दिया है, कागज के हमने पत्ते बना दिए हैं, इनके ऊपर मांगलिक चिन्ह जो है स्वस्तिक के बना दिए हैं चारों पे। और ये बीच में हमने हवन कुंड रखा है जहाँ पे जनेऊ के समय में हवन होगा। अब ये अपना मंच तैयार हो गया, अब हमारा मंडप तैयार हो गया है। ये देखिए आप, ये हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, ये माता जी बैठी हुई हैं, ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये जिनकी जनेऊ हो रही है बटुक उनका है, उनके हाथ में हमने दंड दे दिया है, जनेऊ के समय दंड दिया जाता है। और इस प्रकार से ये हमने छोटा सा एक मॉडल जो है जनेऊ का तैयार कर दिया है।